सेकंड कौन सा था? हाँ, इट ऑलवेज फॉर्म क्लोज कर्व, इट ऑलवेज फॉर्म क्लोज कर्व। और क्या है? इट इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये भी प्रॉपर्टी है ना, ऑलवेज इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगा और एंड कहां पे होगा? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पे। ओके, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अब देखो, चलो ये सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्ज हो रहा है पॉजिटिव चार्ज से, एंड हो रहा है नेगेटिव चार्ज पे। ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। ओके, ये एक थर्ड लाइन हो गया। ओके, ये भी एक थर्ड लाइन हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थ्री लाइन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नीचे भी थ्री लाइन है। अब ये बताओ, ऊपर वाले फर्स्ट सेकेंड थर्ड और नीचे वाले फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से कौन सा लाइन सही है? नीचे वाला सही है। क्यों सही है? यस, देखो ये जो लाइन है ये 1 2 यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी 1 2 यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेप्ट ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ? हाँ, लिख लो उसको भी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेप्ट ईच अदर। ओके, यस सर। चलो ये हो गया। अब जैसे सपोज इस टाइप का लाइन है, अब ये दो मैं रीजन ले लिया, एक ये फर्स्ट रीजन है और एक ये सेकंड रीजन है। क्या बता रहा है ये लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट वन हो गया और ये पॉइंट टू हो गया, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, किसी पॉइंट से इमर्ज हो रहा है। ओके, तो चलो ये बताओ, कौन से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, कौन से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा? ये पॉइंट वन है, पॉइंट वन पे स्ट्रांग रहेगा क्योंकि लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर। जैसे अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज ही लूंगा, सपोज इस पॉजिटिव चार्ज से बहुत सारे लाइन निकल रहे हैं, ऐसा लार्ज नंबर ऑफ लाइन इमर्जेस फ्रॉम, वैसे चारों तरफ निकलेगा, ये रीजन लो ये रीजन लो, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा और दूर में इलेक्ट्रिसिटी वीक होगा, होगा कि नहीं होगा? जो पास रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग, दूर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। तो दूर में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है दैट इज द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है दैट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, एंड इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड दीज लाइंस आर फार फ्रॉम ईच अदर। समझ में आया? यस सर। लिख लो इसको भी, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड These lines are close to each other, and in weak electric field, these lines are far from each other. समझ में आया अनुषा? Yes, sir. Okay. चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने भी आता है, कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
देखो यहां पे, सपोज ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, ये भी है पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज दे आर क्लोज टू ईच अदर, देन ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चलो खुद भी प्रैक्टिस करो, बताओ कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दोनों प्लस प्लस, प्लस और माइनस का तो मैं बता दिया था ना कि अगर प्लस और माइनस रहेगा तो प्लस से एमर्ज होगा और माइनस से एंड होगा, ऐसा ऐसे ऐसे बना देना है, क्लोज कर्व बनाना है ऐसा, जैसे एक थ्रेड ऐसा रहता है ना। इसमें कैसा बनेगा, दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन फोर्स। तो लाइन भी तो अवे हो जाएगा ना, ये ऐसा जाएगा क्या यहां से यहां? तो क्या होगा, इससे भी लाइन बाहर निकल रहा है, इससे भी लाइन बाहर निकल रहा है, बट ड्यू टू रिपल्सन फोर्स ये जो लाइन है वो ऐसे डेविएट हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो ऐसे 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 बन जाएगा। चलो बनाओ जल्दी फटाफट, और क्वेश्चन में दूंगा बना बना के भेजना। नहीं ये तो ऐसा क्या बोलते हैं, चले जाएगा ना स्पेस में लाइन, एंड कहां होगा? अगर जहां पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा तभी तो एंड होगा, अगर एक अकेला पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन क्या होगा, स्पेस में ही रहेगा। ओके अब ये बताओ अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो कैसे लाइन बनेगा? सेम बनेगा मगर एरो उल्टा रहेगा, ठीक है? जो एरो ऐसे बाहर निकल रहा है वो ऐसे एंड होगा उसी पे। समझ में आया? और यहां पर जो जो पॉइंट मिलता है ना इसको बोलते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या है? द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्योंकि ये जो बीच वाला पॉइंट मिलेगा यहां पर दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया, उसको बोलते हैं नल पॉइंट। समझ में आया? ठीक है। अब चलो एक दोनों पॉजिटिव चार्ज है बट वन इज हैविंग हायर मैग्नीट्यूड एंड अदर हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दोनों प्लस चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है बट एक मान लो 100 कूलाम है और दूसरा 10 कूलाम है, इस टाइप का है, दोनों सेम सेम है तो नल पॉइंट बीच में रहेगा। अब बताओ इसमें नल पॉइंट किधर सेट हो जाएगा, किसके तरफ? क्योंकि ये ज्यादा धक्का देगा ना, तो नल पॉइंट इधर कहीं आ जाएगा और बाकी लाइन वैसे ही रहेगा। ऐसे बनाओगे बट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग किसका होगा? हाँ तो इसमें नंबर ऑफ लाइन इंक्रीज कर देना, यानी यहां पर लार्ज नंबर ऑफ लाइन रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहता है, बताया था ना मैं, तो इस टाइप का बनेगा। ओके एरो ऐसा आउटवर्ड रहेगा, ठीक है? चलो अब ये बताओ, सपोज दिस इज अ मेटल सरफेस एंड अ पॉजिटिव चार्ज, या ये अर्थ है, चलो अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, व्हाट विल बी शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? जब ये बना लोगे तो ये बताना यही अर्थ है, अर्थ के ऊपर निगेटिव चार्ज है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्वेश्चन आया कई बार। तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन में क्या बताया था कि कोई भी चार्ज अकेला नहीं रहेगा, अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है
तो वो अपने आसपास जो भी सरफेस है वो अपना अपोजिट चार्ज डेवलप करेगा। तो अगर ये प्लस चार्ज है तो अर्थ के सरफेस पर कौन सा चार्ज डेवलप करेगा? ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज से लाइन बाहर निकलेगा तो कहां एंड होगा? निगेटिव चार्ज से। फिर इधर से भी लाइन ऐसे बाहर निकला तो ऐसा ऐसा, समझ में आया? ड्रॉ करते जाओ फटाफट तुम लोग भी, नहीं तो भूल जाओगे। ऐसा रहेगा, ऐसे ही इसमें बना दो। चलो इसमें क्या होगा, कैसा रहेगा से? अगर ये निगेटिव है, क्यों जहिंद को समझ में आ रहा है? चुपचाप बैठिए है कि गायब हो गई? चलो देखो, निगेटिव है तो यहां पर कौन सा चार्ज अलग होगा? पॉजिटिव। तो लाइन कैसा रहेगा? प्लस से माइनस, ऐसा ऐसा। यहां पे ना कोशिश करना कि परपेंडिकुलर दिखे, ऐसा। ओके चलो, अब किसी को थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं कि ये एक मेटल प्लेट है। अब ये मेटल का प्लेट है और यहां पर मैं रखा प्लस चार्ज, तो ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये थिक प्लेट है, थिकर प्लेट है मेटल का। तो ये प्लस है, तो इस मेटल प्लेट के सामने वाले फ्रंट वाले फेस पर कौन सा चार्ज इंड्यूस करेगा? निगेटिव चार्ज। प्लस है तो इधर निगेटिव चार्ज। तो जब इधर निगेटिव चार्ज हुआ तो इस मेटल के अंदर वाले सरफेस की ये वाले बाउंड्री पर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये पॉजिटिव है तो इस मेटल प्लेट के ये वाले फेस में कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? निगेटिव चार्ज। और ये निगेटिव है तो ये वाले फेस में कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। समझ में आया? चलो, तो ये प्लस और ये माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, क्योंकि जितना प्लस उतना ही माइनस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। तो याद रखना, किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है जीरो, इसलिए वहां पे लाइन भी ड्रॉ नहीं करना है। यानी यहां प्लस से माइनस लाइन ड्रॉ नहीं होगा, बिकॉज इनसाइड ऑफ मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो अब यहां से प्लस से बाहर निकला माइनस पे गया, प्लस से बाहर निकला माइनस पे गया, ऐसा लाइन ड्रॉ होगा इस साइड। अंदर में कोई लाइन नहीं रहेगा। अब ये देखो, इधर पॉजिटिव चार्ज है, यहां लाइन कैसा रहेगा? इधर से लाइन तो बाहर निकलेगा ना ऐसे, तो ये हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल है ना, पैरेलल क्या बताता है? दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक प्रॉपर्टी होगा कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, वो भी लिख लेना प्रॉपर्टी में। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा ड्रॉ हो गया। समझ में आया? इसको ड्रॉ कर लिए। हो गया कि नहीं? यस सर। ठीक है वेदांश, कर हो गया? यस सर।
अब इसी में अगर इस साइड को दिखा देगा कि भैया ये साइड तो ग्राउंड हो गया है, तो क्या करोगे? ये साइड ऐसा बना दिया है तो लाइन ओनली इसी साइड रहेगा, इस साइड का टोटल चार्ज कहां चला गया? ग्राउंड में, अर्थ में। अब चलो अगर मैं इस साइड निगेटिव चार्ज रख दूं, इस साइड पॉजिटिव चार्ज रखूं, चलो अब लाइन ड्रॉ करो। इस प्लेट के एक साइड में निगेटिव चार्ज है, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज। बन जाएगा लाइन? यस सर। ये प्लस से ऐसे बाहर निकला, ऐसा कम से कम चार पांच लाइन ड्रॉ करना है। फिर इधर कैसा रहेगा? ऐसे ऐसे बनाए? यस सर। ऐसे ही बनाया हो ना? किसका किसका बनाया ऐसा? ओके ठीक है। चलो अब देखो, ये एक बॉक्स है, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स है मेटल का। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो। वैसे ही ये स्फेरिकल सेल है, इधर पॉजिटिव चार्ज है अंदर में, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके अब यही जो है, ये स्फेरिकल सेल है ना, ऐसा थीकर है। अब इसी सेल में ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पर है, सेंटर में नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चलो फटाफट ड्रॉ करो जल्दी जल्दी। ये प्लस है, तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसके अंदर वाले बाउंड्री में कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज। ऐसा निगेटिव निगेटिव बना दो। अब ये जो निगेटिव चार्ज है उसका डेंसिटी सभी जगह सेम रहेगा कि कहीं ज्यादा कहीं कम रहेगा? किस साइड रहेगा ज्यादा? उस चार्ज के साइड के दूर में, चार्ज साइड, चार्ज ज्यादा रहेगा क्योंकि यहीं पर है ना, तो इधर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इस साइड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये माइनस और ये प्लस, तो एक लाइन ऐसा रहा, एक लाइन ऐसा रहा, और बाकी जो लाइन है वो ऐसा क्लोज कर्व बनाएगा ऐसे। ओके इधर लाइन को इंक्रीज कर देना क्योंकि इधर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां थोड़ा सा रेयर कर देना। ओके इसमें क्या होगा? इसमें ये प्लस है तो ये सेल के अंदर माइनस चार्ज, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बाहर में प्लस चार्ज होगा ना। तो लाइन इधर माइनस से प्लस, इधर ऐसा, इधर ऐसा, इधर ऐसा, और बाहर में भी ऐसे ऐसे रहेगा, यही होगा। बट यहां पर क्या होगा? ये तो सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा किनारे में है स्फीयर के। तो इधर भी तो निगेटिव चार्ज रहेगा, मगर निगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा कहां रहेगा? चार्ज के पास की चार्ज से दूर? यानी इधर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा रहेगा, बट इधर तुम्हारा जो नंबर ऑफ लाइन है ना वो इस साइड बढ़ा देना, क्योंकि इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है।
फिर वैसे ही इधर आउटवर्ड में रहेगा। समझ में आया? समझ में आया वेदांत? ठीक है, तो इतना रहे, जो मैं क्वेश्चन भेजूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने का, उसका आंसर लिख के भेजना, ठीक है? और अभी 9:30 बजे क्लास है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। ओके, तुम लोग कल केमिस्ट्री का है क्या वेदांत ट्यूशन? नहीं, कल कल है? कल नहीं है। हाँ ठीक है, तो कल 8 बजे रहेगा क्लास, ठीक है? यस सर। ठीक, ओके।